यदि इस समय आपने इसकी हत्या कर दी, तिरंगियों को एक बहाना मिल जाएगा। आपके निष्पाप व्यक्तित्व को ऐसा कलंक लगेगा कि इतिहास भी उसे धो नहीं पाएगा। यही दुष्ट आपकी सूनी मांग का कारण है। यदि इस समय आपने इसकी हत्या कर दी, तिरंगियों को एक बहाना मिल जाएगा। आपके निष्पाप व्यक्तित्व को ऐसा कलंक लगेगा कि इतिहास भी उसे धो नहीं पाएगा। तिरंगियों को एक बहाना मिल जाएगा। आपके निष्पाप व्यक्तित्व को ऐसा कलंक लगेगा कि इतिहास। Open the gate. I'm sure you are Lakshmi Bai. Deal ke mutabik, hum aapko jhansi wapas saunpne ke liye tayar hai. Lekin, hume Lord Dalhousie zinda chahiye. You didn't lose your temper and wind up killing him, did you? Tabhi aapko jhansi handover ki jayegi. ये रहा तुम्हारा लॉर्ड डलहौजी जो अभी तक जीवित है। अब लेकर चले जाओ उसे हमारी झांसी से दूर। ये रहा हाई कमांड का साइन किया हुआ ऑर्डर। कम ऑन नेल्सन, एज इंग्लिश मैन वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर वर्ड। इट्स अ प्रॉमिस मेड इन द नेम ऑफ द क्वीन। It is time to leave. By the way, Mr. Nelson, this new look is suiting you quite well. Let's move! फिरंगी कहा देख रहा, चलो चलो खिसका यहां से चल।
झांसी से संदेश आया है। धन्य हो देवा, जानते हो हमारी बाई साहब को उनकी झांसी वापस मिलने जा रही है। मैं जानता था महारानी लक्ष्मीबाई एक दिन अपनी झांसी को वापस लेकर ही रहेंगी। हे धरती माँ, तेरी लक्ष्मी बाई वापस आ गई है। हमने कहा था ना आपसे, आपकी आई आपका महल वापस ले लेगी। देखा चिमना, ये है मनु, एक बार कुछ ठान लेती है तो करके रहती है। शर्तों पर ली है झांसी, ना जाने कितने निर्दोष और निष्पाप लोगों की जान गई होगी। उन्हीं के लाशों पर सत्ता प्राप्त करके किसी पर उपकार नहीं किया है इन्होंने। पंडित जी, महल शुद्धिकरण की प्रक्रिया आरंभ कीजिए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो पिबाय स्मृत रिकाक्षं सभाभ्यां। महारानी लक्ष्मीबाई की, 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 महारानी लक्ष्मीबाई की। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो पिवाय स्मृत पुंजीकाक्ष सभाभ्यांतर सुचि। ओम मात्वाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। क्या हुआ बेटे? कुछ नहीं पापा, ये तो खुशी के आंसू है। विश्वास नहीं हो रहा है कि हम अपने दरबार में। तूने असंभव को संभव कर दिखाया। स्थान ग्रहण कर ले। देख, तेरा सिंहासन तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। महाराज, हमारे समीप आओ लक्ष्मी।
आपका स्थान यहां नहीं, यहां है। वास्तव में आप इस सिंहासन के योग्य हैं लक्ष्मी। महारानी लक्ष्मीबाई की, 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 महारानी लक्ष्मीबाई की। क्षमा कीजिएगा, परंतु ये अवसर कोई उत्सव मनाने का नहीं है। हमने क्षणिक विजय अवश्य प्राप्त कर ली और हमें हमारी झांसी वापस मिल गई। चुनौती भरी ये विजय पूरे हिंदुस्तान के स्वतंत्रता के लिए एक छोटा सा उदाहरण है। जब तक इस धरती का एक छोटा टुकड़ा भी तिरंगियों के अधीन है, तब तक हम, हमारा हिंदुस्तान पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। आज हम सब मिलकर शपथ लेते हैं कि हमारी धरती, हमारी मिट्टी, हमारे हिंदुस्तान से इन धूर्त फिरंगियों का नामो निशान मिटा देंगे। हम शपथ लेते हैं इन फिरंगियों को हिंदुस्तान से भगा कर रहेंगे। रानी लक्ष्मीबाई ने वास्तव में बहुत बड़ी विजय प्राप्त की थी। डलहौजी की नीतियों से ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी शर्मिंदगी और परेशानी उठानी पड़ी और डलहौजी को हिंदुस्तान छोड़कर जाने का अपमानजनक आदेश दे दिया गया। कहने को तो ये सब शांति से संपन्न हो गया। महारानी लक्ष्मीबाई को झांसी वापस तो मिल गई, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अंदर ही अंदर ब्रिटिश साम्राज्य ने आग में घी डालना आरंभ कर दिया था। महारानी साहब, हम तो बेघर हो गए। आप ही ने हम सबको हमारा घर वापस दिलवाया। झांसी की प्रजा आपका ये ऋण कभी नहीं चुका पाएगी। झांसी की प्रजा हार्दिक मन से आपको सम्मानित करना चाहती है। मोहतरम मोरोपन साहब, इस वक्त दरबार में आप ही एक ऐसे काबिल शख्सियत हैं जो हमारी मलिका साहिबा का सरफराज कर सकते हैं। नहीं नहीं गौसखान साहब, भला झांसी के प्रधानमंत्री सेनापति के होते हुए मुझ जैसा साधारण ब्राह्मण ये। मोरोपन जी, आप महारानी साहब के पिता हैं और वरिष्ठ मंत्री भी। कृपया करके हमारा आग्रह स्वीकार कर लीजिए। की पुत्री के भाग्य में राजयोग है। अरे वो रानी बनेगी, रानी। ये लो बेटी, अरे याद रखा, तुम्हें दुर्गा बनकर फिर साम्राज्य का नाश करना है।
देखा मोरोपा, हमारी छबिली स्वयं से अधिक दूसरों का ध्यान रखती है। यही विलक्षण व्यक्तित्व की पहचान है। श्रीमान सरकार, स्वर्गीय बाजीराव पेशवा की बात अक्षरशः सत्य होती नजर आ रही। बाल काल में तेरे मुंह से निकले शब्द इस प्रकार सत्य होंगे, इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी मैंने। कोई भी पिता अपनी बेटी पर इतना गर्व नहीं करेगा जितना गौरवान्वित इस समय मैं अनुभव कर रहा हूं। माननीय सभासदों, आपने हमें जो आदर दिया है हम उसके लिए कृतज्ञ हैं। अब हमारा दायित्व और भी बढ़ गया है। हमारी ये पगड़ी झांसी के सम्मान का सूचक है। इस ढाल की तरह हम अपनी झांसी की रक्षा करेंगे। लक्ष्मीबाई ने हमारी इंसल्ट की है, उसे चेन से नहीं जीने देंगे। झांसी के लिए हमें स्पेशल प्लानिंग करनी होगी। ये तलवार झांसी पर बुरी दृष्टि डालने वालों के लिए काल बनेगी। उसे सोड पर बहुत प्राउड है, उसे ऐसे मारूंगा कि तलवार उठाना भूल जाएगी। मनु है लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शामत आई है।